सब लोग हमारे शोर फिर से नई वीडियो के साथ, तो इसमें आपको बताऊंगा बॉर्डर ड्रॉ वाली फोटो कैसे एडिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नया हो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते सबसे पहले हेड फोटो की तरफ। यहाँ से अपने मॉडल को ले लेंगे एंड यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। पहले यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे एंड इरेज टूल पे जाएंगे। यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करके पहले तो इसकी ये इरेज कर लेंगे यहाँ से हम, एंड इसके ओपेसिटी एंड हार्डनेस के हम कम करके बाकी का ऐसे हिस्सा इरेज कर लेंगे आराम आराम से दो तीन बार मार के, ताकि रियल लगे कि हमारे यार बॉडी पानी में है। देखते हैं कुछ इस तरीके से। इसे डन कर लेंगे एंड यहाँ से डुप्लीकेट बना लेंगे एंड इसे हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे अपने ऐसे, बस रोटेट कर लो इस तरीके से आपको कर लेना है। ये भी डन दो वाइस, यहाँ पे ऐसे लगा लेना है इसके, और इसके हम ओपेसिटी कम कर देंगे थोड़ी ताकि ये रियल लगे। एंड यहाँ से इसे हम डन कर लेंगे। देखते इतना काम हो चुका हमारा एंड चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ। ऐसा हमें बॉर्डर का पेंजी लेना होगा, देख सकते हैं राव। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अपने लगा लेंगे, इसे साइड कर देते हैं, इसे लगा के यू एंड इसके इरेज टूल पे जाएंगे एंड इरेजर पीस की हार्डनेस और ओपेसिटी हम कम कर लेंगे एंड यहाँ से ऐसे ही इरेज कर लेंगे। देख सकते हो ऐसे करके इरेज हमने कर लिया है यहाँ पे यू करके एंड अभी और लेना है हमें जिसका हमें ब्लेंडिंग मोड लाइट ऑन कर देना है एंड इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ऐसे देख सकते हो आप लगा लग चुका है इरेज टूल पे आना है, जो एजेस वगैरह आ रहे हैं इसे हमें इरेज कर लेंगे यहाँ से एंड ऐसे हम डन कर लेंगे। वैसे देखते ये हो चुका हमारा। हम चलते हैं ऐड फोटो की तरफ एंड जो हमारा वो लेना हमें अब वाटर वाला, इस तरह वाला हमें पेंजी लेना एक एंड इसको हम थोड़ा सा ये ऐसे कर लेंगे छोटा सा एंड अपने यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर लेंगे। बस देख सकते हैं यहाँ से हो चुका है एंड इरेज टूल पे आ गए, उसको हम ऐसे इरेज भी कर लेंगे। यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे या फिर से इरेज पे या यहाँ से इरेज कर लेंगे इसे ऐसे करके। अच्छा गाइस थोड़े बहुत मतलब यहाँ पे भी आ रहे, इसे ऐसे ही इरेज कर लेंगे यहाँ से इसे डन कर लेंगे। चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ, फिर से हमें यही वाला पेंजी लेना होगा एंड इसकी इस बार हमें इसे थोड़ा लंबा कर देना है ऐसे करके एंड इसको हम ब्रांडिंग और स्क्रीन कर देना है। तो देखते कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है एंड इरेज टूल पे आना है, ऐसे ऐसे इरेज कर लेना है एंड इसकी ओपेसिटी एंड हार्डनेस कम करके इरेज पे इसको ऐसे कर लेना है। देख सकते हो भाई आप इससे रियल लगे कि हाँ भाई पानी हमारा मतलब गिर रहा सर सही। और यहाँ से डन कर लेना है एंड इसका डुप्लीकेट बना लेना है जिसे अपने यहाँ लगाना है हैंड्स में, क्योंकि हैंड पे भी हमारा पानी आ रहा हो। सो ऐसे देख सकते हो हमारा हो चुका है एंड यहाँ से डन कर लेंगे हम। चलते हैं ऐड फोटो की तरफ, यहाँ से हम बारिश का पीएनजी लेंगे या रेन पीएनजी जिसे हम बोलते हैं, ऐसे वाला लेंगे हम यहाँ से एंड इसको हम इंक्रीज कर देंगे साइज एंड यहाँ पे ऐसे रखेंगे रेस्ट करेंगे और फेस पे से हटा देंगे इसका, बस कहीं और कहीं से हटाना नहीं है एंड ऐसे से डन कर लेंगे। चलते हैं फिर से ऐड फोटो में, ऐड फोटो में आके हमें फिर से दूसरा रेन लेना पड़ेगा ये वाला एंड इसको यहाँ पे हम यू कर लेंगे ऐसे करके एंड इरेज टूल पे आके ऊपर का हिस्सा पूरे से इरेज कर देंगे ऐसे।
और ऐसा करके यहाँ व्यू कर लेंगे एंड थोड़े बहुत यहाँ भी रेस हम कर लेंगे एंड यहाँ से इसे डन कर लेंगे। चलते हैं ऐड फोटो की तरफ एंड यहाँ से हम ये वाला पीएनजी लेंगे फिर से एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम ये कर देंगे लाइट एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा लेंगे ताकि लगे रियल लुक कि हाँ भाई बूंदे हमें बूंदे पड़ रही है वहाँ। इसका डुप्लीकेट बना के दो चार और हम लगा लेंगे ऐसे, यहाँ पे भी लगा लेंगे ऐसे करके। इसको ऑपोसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, इसका भी डुप्लीकेट हम लगा लेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे लग चुका है एंड यहाँ से डन कर लेंगे। तो हमारे इतना काम हो चुका है इसमें। अब चलते हैं थ्री ड्रॉ टूल में, ऐसे थ्री डॉट में आके सेव इमेज कर लेंगे। चलता हूँ अपने लाइट रूम की तरफ। तो गाइस यहाँ पे लाइट रूम में आ चुका है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारी फ़ोटो एरिया आ चुकी है, इसे ऐड करेंगे यहाँ पे हम। देख सकते हो आ चुका है फ़ोटो एंड यहाँ लाइट्स में जाएंगे हम, उसको उसकी एक्सपोजर हल्की इंक्रीज़ कर देंगे एंड कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे। जिसकी हाईलाइट है हाईलाइट को भी इंक्रीज़ कर देंगे एंड शेडोज़ थोड़ी कम कर लेंगे एंड वाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड ब्लैक्स को कम कर लेंगे। चलते कलर्स में, यहाँ से इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे एंड टिंट भी थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे इसकी एंड वाइब्रेंस इंक्रीज़ करके सैचुरेशन कम कर लेंगे। तो चलते मिक्स टूल में, यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस हम बढ़ा देंगे। सेकेंड कलर का हम सैचुरेशन हल्की कम कर लेंगे। थर्ड कलर है इसके हम सैचुरेशन थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे। बाकी ग्रीन कलर का सैचुरेशन कम कर देंगे। जो ब्लू कलर है इसकी भी हम थोड़ी बहुत ह्यू बढ़ा देंगे। जो इसका इसका हम सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से। यानी जो ये वाला कलर है इसका भी हम ह्यू कम कर लेंगे, इसकी सैचुरेशन कम कर लेंगे एंड यहाँ से डन कर लेंगे। चलते इफेक्ट्स में, यहाँ से इसके हम क्लैरिटी इंक्रीज़ करेंगे एंड विग्नेट को कम कर लेंगे एंड शार्पनिंग यहाँ से बढ़ाएंगे एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देंगे यहाँ से, ताकि फेस हमारे स्मूथ हो जाए। सो ऐसे देख सकते हो हमारे स्मूथ सी फेस हो गए। चलते सिलेक्टेड टूल में, यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से अपने नीचे से कुछ मार लेंगे, थोड़ी बहुत कम कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। बस देख सकते हो मतलब फ़ोटो पिकार्ड में गए थे और लाइट रूम में इतनी मस्त फोटो बन चुकी है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।